फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज मैं आप सभी लोगों को एक डीडी फ्री डिश को रिपेयर करना बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें सॉकेट में प्लग को लगा दिया और इसमें कोई सी भी लाइट नहीं आ रही, मतलब इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लेना होगा जिसको कि एसी मोड पर 750 वोल्ट पर रेंज में सेट करना होगा इस तरीके से। और आपको सबसे पहले इसकी स्विच भी देखिए, यहाँ पर मैंने ऑन करके रखी है, इस तरीके से ऑन है स्विच। और अब हम इसका सबसे पहले इस लीड का वोल्टेज यहाँ पे टेस्ट करेंगे। एक नॉब आपको यहाँ लगानी है जो कि क्योंकि मैं जूम करके आपको बताता हूँ पहले। तो आपको ये जो लीड है एक को आपको जो यहाँ पे आई हुई है इसमें लगा देना है और एक आपको जो यहाँ पे आई हुई है। तो आप देख पा रहे हैं इस मल्टीमीटर में इस तरीके से वोल्टेज आ रहे हैं 225 वोल्ट, यानी हमारी लाइन दर सही है। और अब हम इन दोनों में चेक करेंगे यहाँ पे हमारी लाइन आ रही है कि नहीं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं इस तरीके से 225 वोल्ट, 230 वोल्ट ऐसे आ रहे हैं, यानी हमारी लाइन यहाँ पे आ रही है और हमारा फ्यूज भी सही है। और एक बार आपको जो है फ्यूज भी टेस्ट कर लेना है। आपको सबसे पहले इस फ्यूज टेस्ट करने के लिए लाइन को हटा देना है और मीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पर यहाँ पर लगाना है और इस तरीके से आपको दोनों नॉब को पहले शॉर्ट करना है। देखिए बीप का साउंड दे रहा है और अब आपको दोनों फ्यूज में लगाना है, देखिए बीप का साउंड दे रहा है, यानी हमारा फ्यूज भी सही है। तो अब इसके बाद मतलब अब हमारा ये कंफर्म हो चुके हैं हम कि यहाँ तक हमारी लाइन आ रही है और इस सप्लाई से लाइन आउट नहीं हो रही। तो अब आपको मल्टीमीटर को 200 की रेंज में सेट करना है इस तरीके से और उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट करना है। को इस प्लग को इस तरीके से निकाल लेना है इस तरीके से और अब हम इसके वोल्टेज टेस्ट करेंगे। और इसके बाद आपको लीड को मेंस में इस तरीके से लगा देनी है। और अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस तरीके से। इसमें देखिए इधर 5 वोल्ट है एकदम लास्ट वाली, उसके बाद ग्राउंड है, फिर 24 वोल्ट है, फिर 12 वोल्ट है, फिर ग्राउंड है, उसके बाद ये 3.3 वोल्ट है इधर। तो अब हम इसके वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो एक को आपको इधर ग्राउंड में लगा देना है और उसके बाद इधर लगाना है। तो मैं पहले मीटर को सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अब हम इसमें लगाएंगे, एक को आपको ग्राउंड में लगाना है इस तरीके से, उसके बगल में 12 वोल्ट में लगा रहे हैं जिसमें कोई सी भी रीडिंग नहीं आ रही है। आप यहाँ से भी इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो मतलब लगा हुआ है वायर, इसमें इस साइड से दूसरा नंबर हमारा ग्राउंड है इस तरीके से और उसके बाद इधर 12 वोल्ट है इस तरीके से, देखिए कोई रीडिंग नहीं है। इस तरीके से 5 वोल्ट में भी देखिए ग्राउंड में लगा के 5 वोल्ट, इधर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो आप इस तरीके से आसानी से टेस्ट कर सकते हैं और इसको पता कर सकते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं, इधर 5 वोल्ट में लगा दिया, इधर ग्राउंड में लगा दिया, देखिए कोई सा भी वोल्टेज हमें शो नहीं हो रहा है। और यहाँ 24 वोल्ट में लगाया, इसमें भी हमारा कोई सा भी वोल्टेज शो नहीं हो, इसका मतलब ये पावर सप्लाई हमारी हो चुकी है ख़राब। तो अब हम इसे रिप्लेस करेंगे और न्यू पावर सप्लाई लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले इस प्लग को बाहर निकाल देना है इस तरीके से और आपको सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से ये वायर को इस तरीके से निकाल देना है जैसा कि मैं निकाल रहा हूँ। और उसके बाद इसको हटा देना पावर सप्लाई को और न्यू पावर सप्लाई लगा देनी है। तो इस तरीके से अब हमने बोल्ट को ओपन कर दिया, कनेक्शन को हटाकर इस पावर सप्लाई को बाहर कर दिया है और अब हम इसमें न्यू पावर सप्लाई यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। और इसमें हम पहले बोल्ट को लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। तो इस तरीके से अब आपको इसमें सोल्डरिंग कर देनी है इस इन दोनों फेस न्यूट्रल को, जिस तरीके से मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ इसमें आपको पेस्ट लगा करके सोल्डर कर देना है इस तरीके से अच्छे से। इस तरीके से ये हो चुकी है शोल्डर और इस जैक को अब आपको इसमें सेट कर देना है। तो इस जैक को आपको ये जो आपको वायर दिख रहा है ये आपका इस साइड रहेगा, यानी बाहर साइड, यानी इस साइड मतलब इस तरीके से आपको लगाना है। तो इस तरीके से अब हम इस जैक को लगा दिए हैं और अब ये हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम इसको मेंस में लगाते हैं और अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये हो चुका है चालू। तो इसमें लाइट आ चुकी है, पहले 00 लिख के आया, अब ये चैनल लिख के आ गया, 21 नंबर चैनल चालू है। तो इस तरीके से आप भी घर पर इसे रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। थैंक यू।